हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा कि दोस्त आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के पटना शहर के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पटना शहर की पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमने पटना शहर के बारे में ऐसी रोचक जानकारियां दी है जो आप नहीं जानते होंगे और आपको कभी न कभी जानने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो कर दीजिए भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखें। पटना शहर भारत के मगध साम्राज्य की राजधानी, पहले से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। आज के समय यह बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है और पूर्वी भारत का कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2011 में लगभग 17 लाख की जनसंख्या के साथ यह शहर भारत के सबसे अधिक पॉपुलेशन शहर वाले पर लिस्ट में 19वें नंबर पर आता था। आज के समय पटना की जनसंख्या बढ़कर 2 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। इतिहास की तरह देखे तो यह नगर 490 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के नाम से हरियंका साम्राज्य की राजधानी के रूप में उदयभद्र में बसा है। इस नगर को बनाने के लिए इसके संस्थापक ने अपने पिता की हत्या करके इसे साम्राज्य को छीना था। यह महानगर करीब 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्र तल से 174 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। पटना अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में दिमाग में छपा हुआ है। पूरे बिहार के विद्यार्थी पटना में पढ़कर सरकारी बाबू बनने का ख्वाब रखते हैं। इसी वजह से पटना में 83.37% लोग पढ़े लिखे हैं। पटना को बिहार राज्य का सबसे शिक्षित नगर कहा जा सकता है। शिक्षित लोगों में जागरूकता होने के कारण यहाँ की लिंगानुपात पर 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएं पाया जा सकते। बिहार का सफर करते वक्त अगर आपको BR01 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिख जाए तो समझ जाए आप पटना महानगर में आप प्रवेश कर चुके हैं। पटना के नॉर्थ में हाजीपुर है, जो महात्मा गांधी सेतु से पटना से जुड़ा हुआ, जिसे दुनिया के सबसे बड़े रोडवेजों में गिना जाता है। पटना के आर्थिक गतिविधियां पश्चिमी हिस्से में ज्यादा है, जिस वजह से पटना महानगर दानापुर से मिला गया है। बिहार के दूसरे इलाके में मुकाबले पटना में गर्मी ज्यादा होती है। महानगर होने के कारण यह नगर कंक्रीट फॉरेस्ट बना हुआ है, जिस वजह से पूरा शहर गर्मी झेलने में मजबूर है। इसके अलावा पटना गंगा, सोन और पुनपुन नदी से घिरा हुआ है। उत्तर में हाजीपुर के पास बहने वाली गंडक नदी गंगा में यह आकर मिल जाता है। आसपास में इतनी पानी और गर्मी होने की वजह से इस नगर में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं पटना में कुछ पर्यटन स्थल के। नंबर एक, गोलाघर। यह गोलाघर साल 1770 में इस इलाके में भयंकर काल के बाद अनाज स्टोर के लिए बनाया गया। यह गोलघर इमारत अपनी खास आकृति के लिए पॉपुलर है। 1746 में जॉन गर्स्ट्रीन ने इस घर को बनवाया था। इसके बाद गोलघर पटना शहर का प्रतीक चिन्ह बन गया। दूसरे नंबर पर है गांधी संग्रहालय। यह संग्रहालय बांकीपुर बालिका विद्यालय के पास मौजूद है। महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी चीजों का नायाब संग्रह इस जगह पर देखने को मिलता है। तीसरा है तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी। पटना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली माना जाता है। बताया जाता है कि गोविंद सिंह जी ने अपने बचपन के कुछ वर्ष इसी शहर में बिताए थे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का पलना लोहे के तीर, तलवार और हुक्मनामा गुरुद्वारे में रखा गया है। यह स्थल सिखों के लिए देश के सबसे पवित्र स्थान में एक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर का वीडियो बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर अपने शहर का नाम लिखें। Thank you again for watching so much.